इंडिया पर इस वक्त सीतापुर की शहर कोतवाली इलाके से बड़ी खबर आ रही है, जहां नदी में नहाने गया किशोर पानी के तेज बहाव में बह गया, जिसके बाद उसकी तलाश की जा रही है। मौके पर कौन कौन पहुंचा है इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता के पास। तो निशांत, बताइए कि कहां का ये मामला है, किशोर कहां गया था नहाने और कैसे वो पानी के तेज बहाव में बह गया? क्या घर वालों को इसकी जानकारी नहीं थी कि उसका बेटा नहाने गया है? बिल्कुल प्रियांशु जी, आपको बता दें कि सीतापुर शहर कोतवाली इलाके के मोहल्ला दुर्गापुरवा का ये मामला है। यहाँ सराय नदी निकली है और गोपाल घाट होते हुए जो सराय नदी निकली है वो इस वक्त जो है बारिश होने से पूरी तरीके से लबालब भरी है, और जिसका नजारा भी दिख सकता है कि सराय नदी जब भर गई तो आसपास के इलाके जो थे यानी कि मोहल्लों में पानी घरों में घुस गया था। और अब आज आपको बता दें कि ये जो दुर्गापुरवा स्थित गोपाल घाट है, राकेश राठौर जो राजमंत्री हैं उन्हीं के घर के पास ठीक सामने जो गोपाल घाट बना हुआ है वहीं पर मोहल्ले के कुछ लोग नहाने गए थे। इसमें आपको बता दें कि कृष्ण रस्तोगी, इसकी उम्र बताई जा रही है 17 वर्ष, पिता इसके अवधेश रस्तोगी, निवासी दुर्गापुरवा, ये कुछ अपने दोस्तों के साथ जो है आज नहाने गया था सुबह करीब 11:30 बजे, और उसी के चलते जो है वो पानी के तेज बहाव में डूब गया। तो जैसे ही जब ये डूब गया इसको उसके दोस्त बचाने प्रयास कर रहे, लेकिन दोस्त लोग बाहर चले गए जिन्होंने परिजनों को सूचना दी। मौके पे भारी पुलिस बल भी पहुंची है और उस किशोर की जो है तलाश कर रही है। फिलहाल आपको बता दें प्रियांशु, ये जो जानकारी आई इंडिया को मिली है कि ये कक्षा 9 में पढ़ता था और दुर्गापुरवा का निवासी था। फिलहाल इसकी तलाश अभी की जा रही है, लेकिन जो इसके दोस्त थे वहाँ पे इस वक्त मौके पे नहीं है, वो सभी लोग चले गए थे, शायद वो डर गए हो। लेकिन मौके पर हिंदू शिवसेना के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू पहुंचे हैं, कोना चौकी इंचार्ज पहुंचे हैं, कोतवाल अनुप शुक्ला पहुंचे हैं और तमाम गोताखोर भी वहाँ पर पहुंचे हैं और युवक की तलाश कर रहे हैं। फिलहाल डायल 100 भी मौके पर आ गई थी। अब आपको बता दें कि ये जो विकास हिंदू पहुंचे वो इसलिए पहुंचे क्योंकि कृष्णा रस्तोगी ये हिंदू सेना के कार्यकर्ता का युवा टीम का कार्यकर्ता था प्रियंशु, तो ऐसे में विकास हिंदू वहाँ पहुंचे हैं और वहीं पे मौजूद है, इसको दिखवा रहे हैं। लेकिन उस डूबे हुए किशोर की अभी तक कोई भी तलाश की जा रही है वो अभी तक नहीं मिल पाया है। और ऐसे में आई इंडिया की सह कोतवाल अनुप शुक्ला से बात हुई, उन्होंने कहा कि स्थानीय गोताखोर को बुलाया जा रहा है क्योंकि जो NDRF की टीम है वो इस वक्त बाढ़ इलाके क्षेत्र में है, तो वहाँ से भी उनको बुलाया जाएगा और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत की जा रही है, लेकिन अभी तक का उस युवक किशोर की तलाश अभी तेरह नहीं हो पा रही है। ऐसे में बताया भी जा रहा है कि विश्वास से जो बाढ़ इलाका है वहाँ से NDRF की टीम आएगी, गोताखोर आएंगे तो भी उसको तलाशेंगे और जो स्थानीय गोताखोर है वो भी तलाश करने में जुटे हुए प्रियंशु जी। बिल्कुल, तो ये सीतापुर के दुर्गापुरवा मोहल्ले से बड़ी खबर आ रही है, जहाँ बताया जा रहा है कि गोपाल घाट स्थित सराय नदी जो है वहां पे कुछ लोग नहाने गए थे, कुछ दोस्त नहाने गए थे, जिसमें कृष्णा रस्तोगी जिसकी उम्र 17 वर्षीय बताई जा रही है, पुत्र अवधेश रस्तोगी, ये दुर्गापुरवा मोहल्ले का ही रहने वाला है और ये अपने दोस्तों के साथ नहाने गया था। और जो वहां के प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने बताया कि इस वक्त जो बारिश के कारण नदी उफनाई हुई है तो अचानक से तेज बहाव में हो सकता है वो बहके कहीं दूर चला गया हो या डूब गया हो, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा जानकारी कि वो तैर भी लेता था, तो ऐसे में अभी तक कोई गोताखोर तो नहीं पहुंचा है वहां पे, लेकिन स्थानीय लोग उसकी तलाश जरूर कर रहे हैं। अब देखना होगा कि कितनी देर बाद है जो किशोर को ढूंढने में कामयाब हो पाते हैं। फिलहाल इस मामले में राष्ट्रीय हिंदू शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू भी मौके पर पहुंचे हैं, शहर कोतवाल अनूप शुक्ला, कोना चौकी इंचार्ज मनोज सिंह के साथ डायल 100 की भी टीम वहां पे है और गोताखोरों को ढूंढा जा रहा है, जो स्पेशलिस्ट होते हैं गोताखोर, कि वो जाए नदी के अंदर और किशोर की तलाश करके उसे बाहर निकालें। ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि कहीं नदी के तेज बहाव में दूर बहकर किशोर ना चला गया हो या नदी के किनारे हो सकता है बेहोश भी हो गया हो, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल वो हड़कंप मचा हुआ है वहां गोपाल घाट पर, परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है और सब सलामती की दुआ कर रहे हैं कि उनका बेटा जो है सही सलामत जो है बाहर निकाल लिया जाए। अब इस मामले में आगे क्या कुछ अपडेट होती है वो भी हम दर्शकों तक अवश्य पहुंचाएंगे। फिलहाल 2.5 घंटे हो गए हैं जी निशांत, 2 से 2.5 घंटे हो गए हैं, अभी किशोर का कोई पता नहीं चल सका है। जी निशांत, आप कुछ कह रहे थे? हाँ प्रियांशु, बता दें कि पानी का काफी तेज बहाव है, तो जो स्थानीय तैराक होते हैं जो आसपास से नहाने गए हैं तो वो तैरना जानते थे, तभी इस तेज बहाव के पानी में वो नहाने भी गए थे, तो आसपास जो तैराक है बताया जा रहा है वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे इस पानी में जाने की, क्योंकि पानी का जो बहाव है वो काफी तेज है, पूरी तरीके से जो यह सराय नदी है वो
भरी चल रही है इस समय और अंदाजा नहीं लगा सकता कि कहां पर ये जितने गहरा है, कितनी इसकी नदी की गहराई है, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। इसलिए इस पानी में उतरने के लिए जो आसपास के तैराक होते हैं वो भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे प्रियंशु, क्योंकि पानी में काफी तेज बहाव है। जी बड़ी खबर है ये कि जो आसपास के तैराक है वो भी इस तेज बहाव के पानी में अंदर घुसने की जहमत नहीं उठा पा रहे, उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही है। ऐसे में कितना तेज बहाव होगा आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि कितनी देर बाद किशोर को बाहर निकाला जा सकता है। फिलहाल उसकी तलाश की जा रही है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए निशान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल।